झारखंड सीमा से सटा बिहार के गया जिले का डूभी प्रखंड। इसी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 99 पर बसा एक गांव है केसापी। ढाई हजार की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर छोटे किसान हैं, जिनके पास या तो बेहद कम जमीन है या फिर वो दूसरे किसानों के यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी गांव के रहने वाले एक किसान रामसेवक प्रसाद ने कम जमीन और सीमित संसाधनों में ऐसा कमाल कर दिखाया कि इलाके में इनके चर्चे आम हो गए। रामसेवक प्रसाद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले किसान हैं। कुछ साल पहले तक इनका गांव में एक कच्चा मकान था। इस मकान में ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बड़ा समय के लिए तो समय की तरह। लेकिन आज रामसेवक प्रसाद ने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया। आज इनका गांव में पक्का मकान है, घर में तमाम ऐशो आराम है और बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर चुके हैं। रामसेवक प्रसाद जैसे छोटे किसान के लिए हालांकि ये काम बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन इन्होंने जिस तरह लीक से हटकर खेती की और अच्छा मुनाफा कमाया, इससे सब कुछ आसान हो गया। फर्स्ट में हमारी इतनी गरीबी थी कि हम पढ़ तो नहीं सके, मैट्रिक पर ही हमारी पढ़ाई सीमित हो गई। पैसे कमाने के लिए मैंने ट्रक ड्राइवर का काम सीखा और चलाया भी, और यही दौरान 85 से 90 के बीच में जो मैंने गाड़ी चलाया, हरियाणा और पंजाब का मैक्सिमम मैंने सफ़र किया था। उस दौरान वहाँ के किसानों से मिलने का अवसर मिला और उनसे ही प्रेरणा मिली कि कृषि भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे आदमी अपने हर चीज़ को पूरा कर सकता है, आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हरियाणा के किसान को फल और सब्जियों की खेती में अच्छी आमदनी लेते देख रामसेवक प्रसाद को भी धुन लग गई कि क्यों ना वो भी अपनी जमीन में बागवानी और सब्जियों की खेती करें, ताकि उनका परिवार भी समृद्ध हो सके। बस फिर क्या था, रामसेवक प्रसाद ने ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ खेती करने की ठान ली। शुरुआत में तो रामसेवक के परिवार को उनका ये फैसला सही नहीं लगा, क्योंकि महज खेती से घर का गुजारा चला पाना काफी मुश्किल भरा था। लेकिन रामसेवक प्रसाद ये तय कर चुके थे कि अब ये जमीन से ही अच्छी पैदावार लेकर दिखाएंगे। हालांकि बागवानी और सब्जियों की खेती में रामसेवक प्रसाद को कोई अनुभव नहीं था, बावजूद इसके इनके अंदर गजब का जज्बा था कि अगर ये मेहनत करेंगे तो इसका अच्छा परिणाम जरूर ले सकते हैं। साल 2006 में रामसेवक प्रसाद ने अपने खेतों में लीक से हटकर खेती की शुरुआत की। अपनी 3 एकड़ जमीन के 1.5 एकड़ हिस्से में आम का बगीचा लगाया और बाकी जमीन में सब्जियों की खेती शुरू की। अपने घर में ही इन्होंने एक गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है। पशुओं के गोबर को इकट्ठा कर गोबर गैस प्लांट में डाल दिया जाता है, जहां इससे रसोई गैस बनाई जाती है। इस प्रगतिशील किसान ने अपनी मेहनत से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि नाम और इनाम भी कमाए। इनकी खेती के चर्चे गांव देहात से निकलकर अखबारों की सुर्खियां भी बनी। रामसेवक के खेती के चर्चे इतने आम हुए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भी इनसे मिलने इनके गांव पहुंचे। जिले से लेकर राज्य स्तर तक कई इनाम और पुरस्कार इनके नाम हुए।